जहाँ बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के स्टार्स अपना नया साल धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं साउथ के एक और सुपरस्टार महेश बाबू ने अपनी प्यारी पत्नी के साथ फोटो शेयर की जो बेहद रोमांटिक है। महेश बाबू ने पत्नी नम्रता शिरोडकर के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर करते हुए रोमांटिक अंदाज में नए साल का स्वागत किया। सोमवार को सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पर नम्रता के साथ एक नई फोटो शेयर की और फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी। सालों बाद भी दोनों का प्यार देखकर फैंस को बहुत खुशी हो रही है। फोटो में महेश बाबू ने नम्रता शिरोडकर के साथ एक खास पल को शेयर किया, उन्हें अपनी बाहों में भरकर पोज दिया। एक हाथ उनके पीठ पर लपटे हुए थे और वो झुके हुए नजर आ रहे थे। उनका चेहरा पकड़कर दोनों हंसते हुए भी नजर आ रहे थे। नम्रता की आंखें बंद थी और वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। कैप्शन में महेश बाबू ने लिखा, सहजता हंसी प्यार रोमांस विकास। उन्होंने कैप्शन में हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर और 2024 भी लिखा। कमेंट में नम्रता ने पति पर खूब सारा प्यार बरसाया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही महेश बाबू, नम्रता और उनके बच्चे गौतम और सितारा के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर देखा गया था, जो नए साल के लिए दुबई जा रहे थे। नम्रता ने दुबई में वरुण धवन, उनकी पत्नी नताशा, कृति सेनन, महेश बाबू के साथ एक सेल्फी भी शेयर की। कैप्शन में उन्होंने लिखा, 2023 का आखिरी दिन, मजेदार लंच और गपशप, अब जब तक हम दोबारा फिर से ना मिले। वहीं महेश बाबू ने अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज भी दिया। स्टार ने गुंटूर कारमा के गाने कुची का एक झलक भी शेयर किया, जो फैंस को बहुत पसंद आया। 26 सेकंड के इस वीडियो में महेश और श्रीलीला को थमन के गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। महेश बाबू अगली बार त्रिविक्रम निवास की गुंटूर कारमा में दिखाई देंगे, जो 12 जनवरी को स्क्रीन पर आएगी। इसमें मीनाक्षी चौधरी भी है। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।